उत्तराखंड के एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के साथ मारपीट की शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यह मामला काशीपुर के पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज का है, जहां प्रधानाचार्य व प्रबंध समिति के बीच लंबे समय तक चला रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और स्कूल परिसर में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस दौरान विद्यालय में छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। मामले में दोनों पक्ष ने कोतवाली में तहरीर सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में दो पक्षों की लड़ाई में विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। आए दिन विवाद की स्थिति बनती है, लेकिन हुक्मरानों को इसकी कोई चिंता नहीं है। 7:30 बजे मैं विद्यालय जब आया तो गेट पर दो गनमैन खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, आपको किसने बुलाया? मैंने तो बुलाया नहीं है, विद्यालय में प्रधानाचार्य के द्वारा ही बुलाया गया किसी व्यक्ति को। तो जो हमारी भंग प्रबंध कार्यकारिणी है, जिसका फर्जी तरीके से चुनाव कराया गया है, उसने कहा कि हमने लगाया है और हमारे विद्यालय के दो गेट हैं, दोनों गेट अंदर से ताला लगा दिया गया। उसकी चाबी डॉक्टर नीरज आत्रे ने अपने हाथ में ले ली। इसी दौरान वहाँ 112 की पुलिस आ गई और पुलिस वालों ने बाहर से जब मुझे आवाज़ दी और मैं गेट पे खड़ा था, तब मैंने उनसे कहा है कि इन लोगों ने मुझे बंधक बना रखा है, आप मुझे छुड़ाइए। तब उनके द्वारा ये प्रयास किया गया है कि ये गेट खुलवाया जाए। तब उन्होंने वो गनमैन से कहा, वो चाबी नीरज आत्रे से लेकर के आए और तब ये गेट खुला गया, तब मेरी जान बची, वरना इन लोगों का प्रोग्राम सारे गेट बंद करके मुझे जान से मारना। और ये प्रकरण इसलिए हुआ कि अभी एक राजीव अग्रवाल जी ने इनकी एक कंप्लेंट करी थी पिछले दिनों। उस कंप्लेंट पर एक जाँच कमेटी बैठी थी, जिसमें 3 लोगों की एक कमेटी आई थी। उन्होंने इसकी पूरी जांच करी कि किस तरीके से चुनाव हुआ, किस तरीके से ये लोग मैनेजमेंट में हैं। तो ये एक तरीके से इनका पूरा चुनाव जो था वो फर्जी था। उस चुनाव में जो चुनाव अधिकारी कमर आलम जी थे, कमर आलम ही उस चुनाव समिति के सदस्य बन गए, चुनाव कमेटी के सदस्य बन गए। तो कभी ऐसा होता है कि जो चुनाव अधिकारी है वही उसमें समिति में सदस्य बन जाए? तो सारा फर्जीफिकेशन हुआ था। और जिसकी इनके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट जो है वो राज्य में चली गई है डायरेक्टर के पास, तो ये उससे बौखला के इन्होंने कल जो है ये सारी कार्रवाई करी।